टाइम ट्रैवल ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और द अम्ब्रेला एकेडमी का सीजन 3 देखने से पहले तो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सो इस सीरीज में टाइम ट्रैवल के सारी थ्योरी को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें से कुछ आपको सही लगेगा और कुछ गलत। तो आज हम इस सीरीज के सीजन 1 से टाइम ट्रैवल के बटरफ्लाई इफेक्ट और ग्रैंडपा जैसी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस सीरीज के स्टार्टिंग में जब नंबर 5 गलती से फ्यूचर में चला जाता है और तब पहली बार वो दुनिया की कयामत को देखता है, और तभी उसे एक कमीशन के बारे में पता चलता है जो टाइमलाइन को हैंडल करते हैं, और फिर किसी तरह वो जब वापस आता है तो पहली बार कयामत को रोकने की कोशिश करता है, और तब पहली बार हमें बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में बताया जाता है। बटरफ्लाई इफेक्ट वो होता है जिसमें एक छोटे से बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी की ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर सकता है। लेट्स एक्सप्लेन ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्क में बैठे हो और एक बटरफ्लाई आपके सामने है और आपने उसे उड़ा दिया, तो वो एक ऐसी जगह बैठ जाती है जहाँ एक मक्खी को बैठना चाहिए, तो वो मक्खी किसी इंसान को जाकर परेशान करेगी, जिससे वो इंसान अपने ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पाएगा, और इस वजह से उसका मेन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और उस कंपनी के सभी एम्प्लॉय को निकाल दिया जाएगा। तभी उनमें से एक ऐसा होगा जिसको दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, और वो एक किलर बन जाएगा, और वो अच्छे पैसे के लिए एक बहुत बड़े आदमी को भी मार सकता है, जिसकी वजह से शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट हो जाए। इस तरह के एक बटरफ्लाई इफेक्ट पूरी दुनिया के फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकती है, और इसी तरीके से नंबर 5 भी कयामत को रोकने की कोशिश करता है। बस उसे पता करना होता है कि इस कयामत में बटरफ्लाई कौन है, लेकिन वो फेल हो जाता है, और उस समय मून के टुकड़े से पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया गया है। फिर इससे बचने के लिए सभी पास्ट में चले जाते हैं, लेकिन पास्ट में जाने के बाद भी वो कयामत को रोक नहीं पाते। 1963 में उनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाला होता है, जिससे पूरी दुनिया फिर से ख़त्म होने वाली होती है, और फिर वही कयामत को रोकने के लिए उन्हें किसी तरह से वापस अपने टाइम में जाना होता है, और फिर किसी तरह से वो उस कयामत को रोक भी देते हैं और अपने टाइम में फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, वो लोग स्टार्ट कर देते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, और इस थियरी को इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप एक टाइम मशीन बना के पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं, तो उसकी वजह से आपके पेरेंट भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, और वो नहीं मिलेंगे तो आप भी पैदा नहीं होगे, तो आप अपने ग्रैंडफादर को कैसे मारोगे। और इसी पैराडॉक्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सीरीज में दिखाया गया है। जब अम्ब्रेला एकेडमी अपने टाइम में वापस आते हैं, तो उन्होंने 1963 में कुछ ऐसा करके आए थे जिस वजह से उनके सभी पेरेंट उनको पैदा करने से पहले ही मर जाते हैं। तो इसमें उन्होंने भी एक ऐसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को क्रिएट कर दिया है, जिसमें उन्होंने पास्ट में जाकर अपने पेरेंट की मौत का कारण बन गए हैं, और इसी पैराडॉक्स की वजह से उनकी टाइमलाइन में एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी टाइमलाइन ख़त्म होने वाली होती है। ये पूरा यूनिवर्स बिग बैंग जो इंक्रीज हो रहा था, वो रिवर्स साइकिल में चलने लगता है, और सब कुछ एक ब्लैक होल के अंदर समाने लगता है। लेकिन तभी एक पोर्टल के बारे में बताया जाता है जो इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन होती है और पूरी टाइमलाइन को रीस्टार्ट कर सकती है। तो इसको एक मशीन की तरह समझते हैं, तो समझ लो ये पूरा यूनिवर्स एक मशीन है, और हर मशीन को रीस्टार्ट करने के लिए एक पावर बटन होता है, जिससे सब कुछ जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वो सब रीसेट हो जाता है। तो इस पोर्टल को यूनिवर्स का मेन पार्ट दिखाया गया है, जिसके जरिए वो यूनिवर्स को रीसेट कर सकते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो पूरा यूनिवर्स रीसेट हो जाता है और सभी की पावर चली जाती है। इसका मतलब इस पूरी टाइमलाइन में जो भी गड़बड़ी स्टार्ट हुई थी, वो उनके पैदा होने वाले दिन ही हुई थी। अब यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है कि टाइमलाइन रीसेट होने के बाद भी उन सबको पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टाइमलाइन की गड़बड़ी से ही हुआ था, या उन्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए था, और ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके डैड, जो एक इंसान नहीं बल्कि बहुत एडवांस यूनिवर्स के एलियन थे, जिन्हें इस पूरे यूनिवर्स के टाइमलाइन के बारे में सब कुछ पता था, और हो सकता है वो अपने किसी बड़े मकसद के लिए वो इस टाइमलाइन को बचाना चाहते थे, और इसी वजह से फ्यूचर वाले 5 ने कहा था कि डोंट सेव द अर्थ, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया को बचा कर भी बचा नहीं पाएंगे। और इसके बाद लास्ट में बैन को एक अलग लुक में दिखाया गया, जिससे लगता है कि वो अब जिस टाइमलाइन में उनमें उन सभी के हम शक्ल है जो उसी टाइमलाइन के, और अब इस टाइमलाइन में क्या बड़ी प्रॉब्लम हुई है और उनके डैड क्या सच में उस यूनिवर्स के गॉड है, ये सब तो अब सीजन 4 में ही पता चलेगा। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी और सीरीज के साथ लेटेस्ट मूवी रिव्यू और मूवी फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो मिलते हैं आप हमारे अगले वीडियो में। गुड बाय।